अगर आप अपना एयरटेल सेटअप बॉक्स का रिचार्ज करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल पे से आप अपने एयरटेल सेटअप बॉक्स का रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल पे ओपन करके और उसमें बताता हूँ क्या करना है आपको। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने अभी गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, उसके बाद ओपन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है न्यू पेमेंट का। तो न्यू पेमेंट का ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद क्या करना है, चलिए वीडियो को देखना एंड तक। यहाँ पे आपको देख मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड नंबर पे आपको बिल पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। आप देख सकते हो ये बिल पेमेंट, इस पर ही आपको क्लिक करना है। बिल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको क्लिक करना है DTH केबल टीवी का ऑप्शन, जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूँ एयरटेल, अगर और भी करना चाहते हो तो उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, पर जो भी आपको अगर और किसी का भी करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ अभी एयरटेल का करके। तो यहाँ पर एयरटेल का मैं आपके सामने सेलेक्ट करता हूँ एयरटेल डिजिटल टीवी को। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया एयरटेल डिजिटल टीवी, तो चलिए वीडियो में बने रहना, पूरी जानकारी देखना। तो जैसे ही हम एयरटेल पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो हमको यहाँ पे गेट स्टार्ट का जो ब्लू कलर का बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर आईडी, यानी कि जो भी आपके कस्टमर आईडी, मतलब जो भी आपकी सब्सक्राइबर आईडी का आप कह सकते हो, आपको वही यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे अकाउंट नेम ऑप्शनल, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अकाउंट नेम एंटर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब्सक्राइबर आईडी डाल के भी आगे बढ़ सकते हो। तभी यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर आईडी डाल के आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए आप फ्रेंड्स। अगर जैसे ही आप यहाँ पर कस्टमर आईडी एंटर कर देते हो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आता है, तो लिंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लिंक अकाउंट क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको जितना मंथली चार्ज है आपको वह डाल के यूपीआई पिन डाल के आपका मतलब रिचार्ज हो जाएगा बस। इसके बाद लिंक अकाउंट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद पूछेगा कितना अमाउंट आपका, कितना मंथली चार्ज है, वो एंटर करके UPI पिन कोड डाल के आपका जो है रिचार्ज हो जाएगा एयरटेल पे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।